आप इतने पॉपुलर है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आप ओपनिंग में कैसे आ गए? चलिए एक बात बताइए, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे और धीरे धीरे आप पॉपुलर हुए और आपको रिकग्निशन मिलने लग गया, लोग जमा हुए, ऑटोग्राफ्स वगैरह मांगने शुरू किया, तो ये आपको कैसा लगा और कब हुआ ये? 2000 में नैरोबी टूर था हमारा इंडिया का, तो मैं कैंप में था उस टाइम, और जैसे भी प्लेयर्स को मैंने टीवी पे देखा तो बड़ा वो लगता था कि इंडिया के प्लेयर है, पता नहीं कैसे होंगे। सो फिर टीम में आया तो पहले तो थोड़ा लगता था कि कहाँ आ गए। उसके बाद नैरोबी में खेले और अच्छा किया मैंने फर्स्ट मैच में, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत वो रिकग्निशन मिलने लगी जो हमारे सीनियर्स को मिलती थी, थोड़ा चेंज लग रहा लाइफ में, और यू नो ऑटोग्राफ साइन ऑटोग्राफ थोड़ा अनयूजुअल था इन द स्टार्टिंग, धीरे धीरे थोड़ा हंस पड़ेगी। तो जब धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ी या मजा लगने लगा, तो आपके लिए रियली गोल्डन मोमेंट होगा वो? बिल्कुल जी, ऑब्वियसली मजा तो है ही इस लाइफ में। तो कुछ आपकी गोल्डन मोमेंट्स देख ले। बंदा ये बिंदास है, ये बताइए बिंदास बंदे से पूछते हैं, इमोशनली आप किससे बहुत ज्यादा क्लोज हैं? इमोशनली मैं अपनी मॉम से, हमेशा से। मॉम को बुलाएं? जरूर। आप बुलाएंगे? मैं बुलाऊं? नहीं आप ही बुलाइए। आप बुलाइए। मम्मी कैसे बुलाते हैं घर पे आप? मैं आई कॉल मामा। ये आपकी मामा है? ये तो छोटी बहन लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अभी हम युवराज से उनकी गोल्डन मोमेंट्स की बात कर रहे थे, तो इनके करियर में आपके लिए कौन सा गोल्डन मोमेंट था? आपको कब लगा कि ये रियली गोल्डन मोमेंट फॉर मी? एक दफा नहीं, दो तीन दफा लगा मुझे। पहली बार? पहली दफा जब ये मैन ऑफ द सीरीज श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था जी, तो उसका मतलब मैन ऑफ द सीरीज का मतलब ये होता है कि अपने एज ग्रुप में बेस्ट इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। जब ये क्रिकेट खेलने जाते हैं अक्सर आप साथ जाती हैं देखने मैचेस या? नहीं जी, अक्सर तो नहीं मैं जाती, एक ही दफा गई हूँ इसके साथ। तो पहली बार कब गई थी आप? मैं नेटवेस्ट सीरीज में, नेटवेस्ट में, जहाँ आपने इससे कहा था कि प्लीज मेरे लिए कुछ रन्स बनाना। हाँ, मैंने उसको बोला था पहली दफा जा रही हूँ, इस बारी मेरी इज्जत का ध्यान रख लेना। उस टाइम ये मैन ऑफ द मैच था। वेरी गुड, तो आपकी इसने बात की इज्जत रख ली। हाँ जी बिल्कुल। जब ये खेलता है तो आप कुछ टेंस्ड हो जाती है या? हाँ जी, नेल बाइटिंग, बहुत टेंशन होता है, तो इतना टेंशन होता है कि मेरा छोटा बेटा बजाय टीवी देखने की मेरी शक्ल देखता है कि मम्मी की कैसी। तो मैं किसी को साथ में बैठने नहीं देती क्योंकि मेरी इतनी टेंशन लगी होती है। फोन आता ना तो मैच चल रहा होता है तो उनसे पूछता है क्या कर रहे हैं, तो ये कहती है कि मैच खेल रही हूँ, बाद में फोन करना। मुझे लगता है मैं खुद मैच खेल रही हूँ, कोई फोन करता है तो मैं कहती हूँ मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं मैच खेल रही हूँ। लेकिन एक्चुअली आप मैच तो खेल ही रहे हैं इस रूप में। बिल्कुल। ये अब इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया, और जैसे घर पे आता है अपना वो ट्रांस लगा के बैठ जाता है और हिंदी और इंग्लिश मूवीज, हिंदी हमारी पिक्चर है, तो आपको समय दे पाता है कुछ? बिल्कुल, बहुत समय देता है ये। कैसे? म्यूजिक से फुर्सत नहीं? ये तो शाम को रात को बैठ के देखता है ना, दिन में तो ये सारा दिन मेरे साथ ही होता है। ये अपने कुछ सीक्रेट बातें बताता है कि बिल्कुल छुपाता है या आपके साथ बहुत फ्री है, फ्रेंड्स हैं? बिल्कुल कुछ नहीं छुपाता, सब पता है मेरे को। That's very nice. अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया कि नहीं? कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि 21 साल का हूँ मैं, 3 साल में शादी कर लूंगा इस लड़की से, पता नहीं कौन, ये मम्मी को मालूम होगा। फेवरेट डिश कौन सी है? कड़ी चावल। कड़ी चावल किन के हाथ का पसंद है इनको? भूख लग रही है भाई, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद ब्रेक देता हूं उसके लिए आप। नानी का या मेरा हाथ का? अच्छा, तो देखिए नानी जी क्या कह रही हैं। नानी जी आ गई।
हेलो यूवी, हाउ आर यू? हमको तो तेरी बहुत याद आ रही है, तेरे को भी हमारी याद आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आती है जी। हम तो यही चाह रहे हैं कि भी तू आने वाली गेम बड़ी अच्छी खेले, अच्छी तरह खेले, सेंचुरीज बनाए, हमारा नाम रोशन करे। नाम तो तूने रोशन कर ही रखा है, मतलब और रोशन कर हमारा नाम। खेल खाल के अपना सेंचुरियाँ मार के जल्दी आ जा घर, तेरी कढ़ी चावल वेट कर रही है। आप भी बताइए ऑडियंस को, आपको कढ़ी चावल कैसी लगी? बहुत स्वाद थी भाई, ऊपर गया भाई। अच्छा आपसे सवाल पूछूंगा कि ये जब छोटा था तब भी इतना ही नॉटी था या धीरे धीरे बढ़ती गई इसकी नॉटीनेस? छोटा था इतना नॉटी नहीं था, अब तो बहुत नॉटी है। छोटे होते बस प्रैंक्स बहुत खेलता था ये। अभी भी? अब तो ज्यादा करता है। तब का कोई प्रैंक आपको याद हो, मतलब जो? एक दफा ये छोटा सा था, 9-10 साल का था, हम दोनों ट्रेन पे जा रहे थे। तो इसने कहा मैंने चिप्स लेने, तो ये उतर गया गाड़ी से, और गाड़ी से उतर गया और ये गाड़ी चल पड़ी। तो मैं बहुत परेशान होगी, मैंने कहा ये तो रह गया अब स्टेशन पे। ये जान पूछ के मेरे सामने से चढ़ा और पीछे से चढ़ गया वापस। तो वो मैं टीटी के पास दौड़ी कि ट्रेन रोको, तो फिर ये दांत निकालते आया। ये ऐसे छोटे होते मेरे को परेशान करता था। ये ट्रेन से उतर जाता और आप चली जाती तो फिर हमें एक हिंदी फिल्म बनानी पड़ती थी 20 साल पहले। हाँ। जो ट्रेन में घूम गया था। मेरी माँ ने भी छलांग मार दी थी ट्रेन से। नेचुरली वो भी टाइगर की बाहें। अच्छा बचपन की कुछ तस्वीरें देखें। हम लोग जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ये इसने बातें उल्टी ही कर दी, खेल कूद के आगे बढ़ गया है? तो ये वैसे बचपन में ये पढ़ने से डरता था क्या, या चिढ़ता था, या आपको तंग करता था, रोता था मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पेट में दर्द हो रही है आज मम्मी, मेरे को बुखार आ गया? ये क्लास 6 तक तो बहुत अच्छा पढ़ा, उसके बाद तो ये फिर इसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गेम्स में इतना इंटरेस्ट हो गया कि सब पढ़ाई पढ़ाई भूल के ये स्केटिंग वगैरह में लग गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कभी इधर से पास तो हो जाता था, रो पिट के पास हो जाता था। पर जब इसने ग्रेजुएशन किया तब इसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ किया, और खुद ही मतलब बड़ी अच्छी तरह एग्जाम से पहले खूब पढ़ लिख के इसने बड़े अच्छे मार्क्स किए। तो ये इसके अंदर से ही एक थी कि मैं पूरा पढ़ लिख जाऊँ। वेरी गुड। आपने कहा 1 से 6 साल तक पहले आराम से पढ़ा? 6th क्लास तक। तो इनकी 6 से पहले की टीचर को बुलाएं? बुला लीजिए, आइए प्लीज। That's your favorite? My favorite, always. Favorite ma'am. Welcome to the show. Meeting you. आप एक बात बताइए। जी। ये आप इनको किस उम्र से पढ़ा रहे हैं? आती थी? इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया when he was 3.5 years old. I have seen him since the nursery. I have literally taken him to the loo as they say. Fed him. And he's always been a great actor. I don't think in the audience or anybody knows about it. School mein humne musical kiya tha, Ali Baba aur 40 Chor ka. To isme he was the star performer. Aur lead chor jo tha, ye bana tha uske andar. Ye the stage ke upar aana tha, to it was side se wings bahar ki taraf the thode. So wahan se ye sare clippity hulla hulla dalte hue chor stage ke upar aate the, jab khul ja Simpson. So this boy, पहले तो सब
सबसे आगे नेचुरली हर चीज़ में आगे था। तो आगे आते हुए जो इसको क्रच एक दिया गया था, वो क्रच किसी तरह आई थिंक चलते चलते फिसल गया। एंड जैसे आप लोगों की क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ही वेंट फॉर अ सिक्सर, और पीछे सारे के सारे जो चोर थे धड़ाम वहाँ पे, एंड दिस वाज ऑन द आई थिंक ओपनिंग टैगोर थिएटर वेयर वी डन इट। अच्छा ये भी अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, या भाई एक्टर का बेटा जैसा मेरा बेटा विवेक एक्टर बन गया। तो आप बचपन में आप क्रिकेटर बनना चाहते थे लाइक ए फादर, या आपका कोई और पैशन था? या बचपन में इतना क्रिकेट का शौक नहीं था, सभी खेलता था, स्केटिंग टेनिस और बस फुटबॉल, मतलब क्रिकेट भी कभी कभी खेलने चले जाना, पर स्केटिंग में बहुत शौक था। स्केटिंग का तो शौक हटा दिया गया हमारा तो। अच्छा एक एक स्केटिंग की बात करते हैं आपसे, एक या नज़र डाली जरा क्या है वहाँ? ये आर्ट सेक्टर है? नहीं, आर्ट सेक्टर है। ये तो पर हैंडबॉल का कोर्ट है। हेलो यूबी, बिलू भाई क्या हाल है तेरे? हम तो स्केटिंग करने नहीं आंदा। जब तू लेफ्ट हैंड खेलता हुंदा सी छोटे होंदे, तो डॉजिंग करते हुए जब तू डॉजिंग करके सब तो बेस्ट प्लेयर खेलता सीगा, गोल्ड मेडलिस्ट सीगा नेशनल च, उदो तेरे सारे जब तू खेलन जांदा सी पिछो ला तेरी चॉकलेट और स्वीट सारे खा जांदे सी, तू जिद्दी सी उन्हां नाल लड़दा सी। हुण वी क्या क्रिकेट च वी इदां ही करदा हैगा, तो जदों प्रैक्टिस जांदा हैगा तेरे प्लेयर जिहड़े हैगे आ पिछो चॉकलेट स्वीट्स खा जांदे आ। Skating coach.